ये जो हुकूमत ने एंटी स्टेट रिपोर्ट तैयार की है, इसमें पाकिस्तान को फायदा देने की बजाय इन्होंने नुकसान देने की कोशिश की है। ये हुकूमत की रिपोर्ट को हम सरासर मुस्तरद करते हैं। इसमें इन्होंने अपोजिशन को गद्दार करार दिया है, इसमें इन्होंने सियासतदानों को गद्दार करार दिया है, इसमें इन्होंने साहब को गद्दार करार दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ सिलेक्टिव नियाजी तुमको कि तुमने जो पाकिस्तान का नक्शा इस रिपोर्ट में दिखाया है उसमें कश्मीर कहीं नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ सिलेक्टिव नियाजी तुमको, तुमने जो पाकिस्तान का नक्शा दिखाया है उसमें से कश्मीर गायब किया गया है। तुम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो? ये पाकिस्तानी आवाम के सामने खुल के आ गया है। तुम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो? ये कश्मीरी आवाम के सामने खुल के आ गया है। तुम गद्दार हो, तुम मोदी के यार हो, तुम कौन होते हो दूसरों को गद्दार कहने वाले? किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई पाकिस्तान के नक्शे से कश्मीर का नक्शा गायब करे, और तुमने इतनी मर्तबा इस रिपोर्ट में दिखाया है और उसमें कश्मीर का नक्शा ही नहीं है। जब तक जान में जान है, जब तक खून का आखिरी कतरा भी जिस्म में बाकी है, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इमरान नियाजी, तुमने मोदी की जितनी खुशामद करनी है कर लो। इमरान नियाजी, तुमने मोदी को जितना खुश करना है कर लो। इमरान नियाजी, तुमने मोदी का जितना एहतराम करना है कर लो। सिलेक्टिव इंडिया कल भी हमारे मुहालफ था, इंडिया आज भी हमारे मुहालफ है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, कश्मीर आज भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर कल भी पाकिस्तान की शहरग थी, कश्मीर आज भी पाकिस्तान की शहरग है। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर हम हिंदुस्तान से लेके रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर को हम हिंदुस्तान के गसब से आजाद करवा के रहेंगे। सिलेक्टिव नियाजी, तुम्हारे दिन थोड़े हैं। सिलेक्टिव नियाजी, तुम बहुत जल्दी जाने वाले हो। सिलेक्टिव नियाजी, तुम क्या समझते हो कि तुम्हें लाने वाले हमेशा बचाते रहेंगे? नहीं सिलेक्टिव नियाजी, वो दिन दूर नहीं है जब कायदे मोहतरम चौथी मर्तबा भी मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम होंगे और कश्मीर भी आजाद होगा, पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम और तुम्हारे सारे क्रप दोस्त पाबंदे सरासर होंगे। मुहालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुहालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं जलने वालों का बड़ा एहतराम करता हूँ।